हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी शो। गाइस, आज का वीडियो इग्नू के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन सभी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 का एग्जामिनेशन 4 मार्च 2022 आज से कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए इग्नू की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट जो की अभी अभी जारी किया गया है, जो की सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट्स 4 मार्च 2022 से होने वाले एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, सभी स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इग्नू की तरफ से रिलीज किया गया है। राइट, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन लगातार आपके पास पहुंचता रहे। एंड आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, बढ़ते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर, देख लेते हैं क्या नोटिफिकेशन है जो रिलीज किया गया है इग्नू की तरफ से। जो कि गाइस मैं आपको बता दूं, 4 मार्च 2022 से होने वाले एग्जामिनेशन के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जो कि अभी हम लोग देखेंगे। जो कि नोटिफिकेशन ये रहा, आपका एक प्रेस रिलीज किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है जो कि आपके लिए जाना जरूरी है। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। राइट, सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर बताया गया है कि जो एग्जामिनेशन 4 मार्च 2022 से लेकर के 11 अप्रैल 2022 तक कंडक्ट करवाया जा रहा है, दिसंबर 2021 का एग्जामिनेशन, इससे रिलेटेड ये प्रेस रिलीज किया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि 800 एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो इस एग्जामिनेशन के लिए बनवाया गया है। एंड इसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके लिए जाना जरूरी है, तो आप जरूर ध्यान से समझ ले। उससे पहले आपको ये बता दिया गया है, यहाँ पर जो एग्जामिनेशन ये हो रहा है इसमें स्टूडेंट्स का जो हॉल टिकट रिलीज किया गया है वो करीब आप यहाँ पर देख सकते हैं 6,76,790 स्टूडेंट्स एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं जिनका हॉल टिकट रिलीज कर दिया गया है दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन के लिए जो कि 4 मार्च 2021 से कंडक्ट करवाया जा रहा है आज से। फाइन, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है डाउनलोड अपना हॉल टिकट, देन आप इग्नू की वेबसाइट जो कि यहाँ दिया गया है यहाँ से कर सकते हैं। चलिए मैं सबसे पहले उस पॉइंट को डिस्कस कर देती हूँ जो कि इस नोटिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके लिए जाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर गाइज ये बताया गया है ऐसा स्टूडेंट्स के साथ हो भी जाता है, तो आप ध्यान से सुन ले। यहाँ पर बताया गया है कि द एग्जामिनेशन सेंटर हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू अलाउ स्टूडेंट्स टू अपीयर इन एग्जामिनेशन इवन दे डू नॉट पोजेस the hall ticket but their name exist in the list of examination for these centers। means इस point का ये मतलब है कि अगर आपके पास किसी भी reason से किसी भी condition में अगर आपके पास hall ticket नहीं है और आप examination देने के लिए eligible हो, then आपको जाना है examination center पे। और जैसे ही आपने इग्नू का exam दिया है तो आपको पता होगा कि जैसे ही आप examination center पे जाते हो तो वहाँ पे बाहर में ही एक list चिपकाया रहता है कि इस enrollment number students का examination hall number इतना में एग्जामिनेशन है इस रो में इस कॉल्यूम में, तो आपको वहां पर बताया जाता है। अगर आपके पास हॉल टिकट नहीं है और वहां पर जो लिस्ट चिपकाया हुआ है अगर वहां पे आपका नाम है, वहां पे आपका एनरोलमेंट नंबर चिपकाया हुआ है, देन आपको एग्जामिनेशन हॉल में अपीयर होने के लिए अलाउ किया जाएगा। आप एग्जामिनेशन बिल्कुल दे सकते हैं आपके पास अगर हॉल टिकट नहीं है फिर भी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा स्टूडेंट्स के साथ होता भी है। तो गाइज अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपका नाम वहां एग्जामिनेशन सेंटर हॉल पे चिपकाया हुआ है लिस्ट में और आपके पास हॉल टिकट नहीं है, तो आप अपना एग्जामिनेशन दे पाएंगे, फाइन। और ये वाला भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जाना है, बट अगर किसी कंडीशन में आपके पास इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड नहीं है देन गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया कोई भी आईडी प्रूफ आप लेकर के जा सकते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सब, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया है कि एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल फोन और कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। कैलकुलेटर कब अलाउ होगा? जब आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर मिलेगा और वहां पर लिखा रहेगा कि आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पेपर के एग्जामिनेशन में आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, पीएचई 11 का है ये, ठीक है। तो जब क्वेश्चन पेपर पर लिख दिया जाए कि कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं तभी आप कैलकुलेटर का यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो भी COVID-19 का गाइडलाइंस होगा इंडियन या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, तो सभी को आपको फॉलो करना होगा इस प्रोटोकॉल को, फाइन। तो यही सब था इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इस नोटिफिकेशन में बताया गया था जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन्हें भी मिल पाए। एंड कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।